भारतीय लष्कराच्या नागपूर येथील उत्तर महाराष्ट्र आणि गुजरात उमंग सबेरियातर्फे नागपूरमधील मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुल येथे येत्या 2 ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान शौर्य संध्या या भारतीय लष्कराच्या संदर्भात असणाऱ्या 3 दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. 3 दिवसीय कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना भारतीय लष्कराच्या शौर्य कारवाई, शस्त्र प्रदर्शन, भारतीय लष्कराच्या विविध तुकड्यातर्फे केले जाणाऱ्या प्रात्यक्षिकांचे प्रदर्शन बघायला मिळणार आहे अशी माहिती उमंग सब एरियाचे जनरल ऑफिसर एन कमांड मेजर जनरल एस के विद्यार्थी यांनी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली. 2 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:30 भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात असलेले विविध प्रकारचे रणगाडे, हेलिकॉप्टर, शस्त्रे, अभियांत्रिकी उपकरणे त्याचप्रमाणे विविध लष्करी संग्रहालयाचे देखील दालने असणार आहे. उद्घाटन समारंभ 2 फेब्रुवारीला संध्याकाळी होणार असून या दरम्यान प्रेक्षकांना विविध प्रकारच्या लष्कराच्या कार्यवाही यामध्ये मोटरसायकल डिस्प्ले, आर्मी डॉग शो, विशेष पथकांच्या कार्यवाही, आर्मी सिफनी बँड, ड्रोन डिस्प्ले, फ्लाय पास्ट यांचा भरार अनुभवायला मिळणार आहे. 3 फेब्रुवारी ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान सकाळी 10 वाजेपासून हे प्रदर्शन सामान्य जनतेकरता खुले राहणार आहे. तरी या प्रदर्शनाला शालेय विद्यार्थ्यांनी आवर्जून भेट द्यावी आणि लष्करामध्ये भविष्यातील एक करिअर संधी आणि देशसेवेची एक अभूतपूर्व संधी म्हणून पाहावे असे आवाहन मेजर जनरल एस के विद्यार्थी यांनी केले आहे. नागपूर में भारतीय सेना पहली बार एक शौर्य का प्रदर्शन करने जा रही है. इसको हमने शौर्य संध्या का नाम दिया है. ये 2 से 4 फरवरी के बीच में यहाँ पे जो मनकापुर स्टेडियम है वहाँ पे किया जाएगा. इसमें भारतीय सेना सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे चीफ गेस्ट होंगे और श्री नितिन गडकरी जी वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं. इसमें भारतीय सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन जैसे कई तरह के डिस्प्ले और एग्जीबिशन हैं, जितने हमारे पुराने और नए इक्विपमेंट जो भारतीय सेना में यूज़ हो रहे हैं जैसे भीष्म टैंक, बोफोर्स गन्स, इस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे डिस्प्ले के हैं, डिस्प्ले रखे जाएंगे जिससे कि बच्चे आके देख सकते हैं. जो हमारा दूसरा डिस्प्ले है एरियल डिस्प्ले है, इसमें हेलीकॉप्टर से हम लोग स्लिदरिंग, हॉट एयर बलूनिंग, फिर मोटरसाइकिल के डेयर डेविल का शो है, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस का अपना अलग शो है, आर्मी पाइप बैंड अपना डिस्प्ले करेगा, फिर वॉरियर्स जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, कुछ तमिलनाडु से आ रहे हैं, ये लोग अपना डिस्प्ले करेंगे. इसके अलावा आर्मी सिम्फनी बैंड होगा और ड्रोन डिस्प्ले होगा करीब 10 मिनट का. तो इस तरह से आर्मी के जो कई सारे फेसेट्स हैं, फाइटिंग और बाकी ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी जो सब चीज़ें, वो हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे मनकापुर स्टेडियम में 2 से 4 तारीख के बीच में.